कुदरती खेती के लिए हमने तीन बातों का ख्याल रखा था, तीन पॉइंट हमारे सामने थे। एक तो पानी को अपनी ज़मीन में अपने पानी को किस तरीके से रोकना, मिट्टी को किस तरीके से बनाना और इकोलॉजी कैसी तैयार करना। अब इसमें सबसे दूसरा जो पॉइंट है पानी का, पानी को बहने से रोककर अपनी खेती के लिए पानी अपने रोककर उसको अपने उपयोग में लेना, उसमें एक हमारा ये एक कदम है जिसमें हमको लगता है कि हम सफल हुए करके। हमने हमारे खेतों में से जो छोटा मोटा नाला बह रहा था उसको हमने चौड़ा भी किया और गहरा भी किया, जिसके कारण बारिश का पानी उसमें इस तरीके से रुक गया है। जैसा कि इसके पहले भी हमने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने नाला खुदीकरण और रुद्ध करने के लिए हमने वो वीडियो दिखाया बनाया था। अब उसके बाद का जब वो मई महीने में हमने वीडियो बनाया था, अब हमने वो बारिश का वीडियो अब आपके सामने हम बना रहे हैं कि वो, क्योंकि उसके लिए हमको पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, जिसके कारण हमने ये सब हमारे ख्याल में आते गए कि हमारे खेत के बाजू से एक छोटा मोटा नाला बह रहा है, उसको हमने काफ़ी चौड़ा किया और डीप भी किया। डीप हमने 12 फुट तक नीचे लेके गए उसको, और चौड़ा जितना है आपके सामने अभी दिख रहा है, इस तरीके से हमने इसको चौड़ा किया और बारिश का एक ही पानी में ये इतना फुल भर गया, जिसकी वजह से हमारे पानी का जो प्रॉब्लम है वो 90% तक के हमको लगता है कि ख़त्म हो गया। अब हम इसको नेक्स्ट ईयर और इसको हम क्या हो सकता है और ये पानी हमको कितने महीनों तक पुर सकता है, ये हमको इसके बाद का हम वीडियो आपको बना के दिखा सकेंगे।